ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने क्रोसेस कर चुके हैं, अब हमने बात करनी है एपोप्टोसिस की। ठीक है, एपोप्टोसिस भी हमारे पास किसकी ही टाइप है, सेल डेथ की टाइप है, और इस तरह की प्रोग्राम रेगुलेटेड पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डेथ, सेल डेथ के रिस्पॉन्ड में जो मॉर्फोलॉजिकल अपियरेंसेज आएंगी, ठीक है, जो प्रोग्राम रेगुलेटेड सेल डेथ के केस में मॉर्फोलॉजिकल अपियरेंस आती है, इस मॉर्फोलॉजिकल अपियरेंस को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। अब प्रीवियसली मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली हो क्या रहा था। नॉर्मली जो है हमारा जो सेल था, जैसे ही इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता था तो अडैप्ट करता था, अगर नहीं अडैप्ट करता था तो रिवर्सिबल इंजरी में जा रहा था, और मजीद नहीं अडैप्ट कर रहा था तो इरिवर्सिबल स्टेज में जा रहा था। इरिवर्सिबल स्टेज में जाके उसकी सेल डेथ हो रही थी, ईदर थ्रू नेक्रोटिक मॉर्फोलॉजिकल अपियरेंस या एपोप्टोटिक। ये सारी बात हमने डिस्कस कर ली है। अब हम बात करेंगे एपोप्टोसिस की। तो एपोप्टोसिस की एक दो तीन बातें आपको ऑलरेडी पता है। एक तो ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, ठीक है, ये क्या होती है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ये बॉडी के बेनिफिट के लिए स्टार्ट की जाती है, ठीक है। सुसाइडल डेथ भी इसको कहते हैं, क्योंकि खुद सेल को सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं आता, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि इसका कंटेंट लीक आउट नहीं करता तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो इसके केस में नहीं आता। अब मैं आपसे बात करूंगी इसके कॉजेज़ और मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जो कॉजेज़ हैं, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ क्या, कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हाथ पहले पैड की फॉर्म में होता है, दरमियान से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन बाद में यहाँ पे एपोप्टोसिस होती है और हमारी फिंगर्स अलग होती हैं। इसी तरह पाँव की, इसी तरह एक्सिलरी रीजन भी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनेसिस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैथोजेनेसिस होती है। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के दौरान भी, जैसे फीमेल की ओवरी के अंदर शुरू में लाखों एग्स बनते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एपोप्टोसाइज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और उनका नंबर रिड्यूस हो जाता है। एक और बात यह है कि कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जब जनरेट हुआ, यहाँ पे एक बैक्टीरिया आ गया और इस बैक्टीरिया को मारने के लिए 10 ल्यूकोसाइड्स आए, 5 ल्यूकोसाइड के साथ लड़ने में मर गए, बाकी जो 5 बच गए हैं, ये ना हो कि वो सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे कोई नुकसान करा दें, तो इन इम्यून रिस्पॉन्स के एंड पे बचे हुए ल्यूकोसाइट की भी एपोप्टोसिस की जाती है। सो आपने याद रखना है कि इम्यून रिस्पॉन्स के एंड पे भी, ये एक रॉबिन के अंदर टेबल बना हुआ है, उसमें से आप देखोगे कि इम्यून रिस्पॉन्स के एंड पे भी जो ल्यूकोसाइट्स बचते हैं उनकी भी एपोप्टोसिस होती है, और सेम एज हिमेटोप्योसिस के दौरान जितने भी ल्यूकोसाइट्स बनते हैं वो सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट करा के चेक किए जाते हैं, अगर वो रिएक्ट हो तो उनकी एपोप्टोसिस कर दी जाती है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस कौन सी हैं जिनमें एपोप्टोसिस स्टार्ट होगी, अगर तो किसी भी ग्रोथ सिग्नल जो है वो विदड्रॉ हो रहे हैं, या डीएनए आपका डैमेज हो गया है, और डीएनए क्यों के डैमेज हो गया, ये एक सेल था और ये इसका डीएनए था, उसने कोई रेडिएशन वगैरह ली और ये डीएनए कुछ ऑल्टर हो गया, अब सेल फट नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि नेक्रोटिक पाथवे तो नहीं चलना, लेकिन बॉडी ने रिकग्नाइज कर लिया कि ये डीएनए ऑल्टर हुआ हुआ है, तो ये ना इसमें म्यूटेशन हो जाए और ये आगे जाके हार्म करे, तो इस सेल को मर जाना चाहिए। सो बॉडी थ्रू प्रोग्राम एपोप्टोटिक पाथवे इस सेल की डेथ कॉज कर देगी। सो डीएनए डैमेज के केस में, या कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं तो उसके केस में भी बॉडी क्या करेगी, रेगुलेटेड वे में इसकी डेथ कर देगी। तो ये दोनों बॉडी के बेनिफिट के लिए थे, फिजियोलॉजी के लिए भी और पैथोलॉजी के लिए भी। अब हम बात करते हैं इनके मैकेनिज्म्स की, या पैथोजेनेसिस की, किस तरह से ये पाथवे स्टार्ट होता है। जो एपोप्टोटिक पाथवे है इनको हम दो पाथवेज में डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट और मजे का है, और दूसरा है हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, दूसरा कौन सा है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में साथ में बुक की डायग्राम से भी आपको समझाऊंगी। जो इंट्रिंसिक पाथवे है इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। होगा क्या कि हमारे पास सिग्नल्स है ना, ठीक है, सिग्नल्स हैं, या हम कह सकते हैं कि स्ट्यूमुलस है। स्ट्यूमुलस क्या है, कि ग्रोथ फैक्टर जो है वो कम हो गए हैं, या डीएनए डैमेज हो गया है, या कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन मौजूद है, इन सारे स्ट्यूमुलस अगर है तो फिर होगा क्या कि ये अगर एक सेल है तो यहां पे हमारे पास होते हैं BH3 सेंसर्स। ठीक है, कौन होते हैं BH3 सेंसर, इन स्ट्यूमुलस को BH3 सेंसर्स क्या करेंगे, सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद ये एक फैमिली होती है सेंसर्स की, जो कि डिफरेंट कंडीशंस को सेंस करने के लिए मौजूद है। ये आगे से एक इफेक्टर फैमिली, 20 प्रोटीन्स की इफेक्टर फैमिली है, BCL फैमिली, उसमें से स्पेशली BCL2 फैमिली को स्ट्यूमुलेट करती है। ठीक है, जिसके अंदर बैक्स और बैक कंपोनेंट हैं, जिसके अंदर बैक्स और बैक कंपोनेंट हैं, स्ट्यूमुलस आया, BH3 ने सेंस किया और BCL2 को आगे एक्टिवेट कर दिया। ये बैक्स और बैक क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जाके ना ये बैक्स और बैक जो है वो अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे, चैनल्स बना देंगे। ठीक है, इन चैनल्स के थ्रू अंदर से रिलीज होगा
बढ़ेगा, परमिएबिलिटी बढ़ेगी और यहाँ से रिलीज होगा साइटोक्रोम सी और कुछ प्रो एपोप्टोटिक बॉडीज। ठीक है, क्या रिलीज होगा? साइटोक्रोम सी और कुछ प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स रिलीज होंगे। ये साइटोक्रोम सी आगे से एक्टिवेट करेगा कैस्पेज 9 को। किसको एक्टिवेट कर देगा? कैस्पेज 9 को। सो हमारे पास स्टिमुलस था, ग्रोथ फैक्टर नहीं है, डीएनए डैमेज है, प्रोटीन मिसफोल्डेड है, तो इनको सेंस करेगा BH3 सेंसर। वो आगे से स्टिमुलेट करेगा BCL2 फैमिली बैक्स और बैक को। ये जो बैक्स और बैक हैं ये क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की परमिएबिलिटी बढ़ाएंगे। कैसे? उसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, एज ए चैनल एक्ट करते हैं और इन चैनल्स में से फिर क्या रिलीज होगा? साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी आगे से एक्टिवेट करेगा कैस्पेज 9 को। ठीक है, अब ये जो कैस्पेज 9 है ये फर्दर स्टिमुलेशन करता है दो चीज़ों की और फिर एपोप्टोटिक पाथवे समझ लो अपने एक किस्म का एंड पे पहुंच जाता है। एक तो ये साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन कॉज करेगा। साइटोस्केलेटन क्या है? मेजर प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर समझ लो एक सेल खड़ा है, बुनियाद है इसकी, इसकी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। तो कैस्पेज जो है वो साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगा और साथ ही साथ एंडोन्यूक्लिएसिस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जब एंडोन्यूक्लिएसिस को एक्टिवेट करेगा तो ये एंडोन्यूक्लिएसिस क्या करेंगी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना उसको तोड़ेंगी फ्रेगमेंट्स में, न्यूक्लियर मटेरियल को फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगी। और यहाँ पे जैसे घर के अंदर कोई कचरा है उसको शॉपर में पैक करके हम शॉपर जो है वो दरवाजे के एंड पे ले जाए और कूड़े वाले को पकड़ा दे, इसी तरह ये जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट टूट रहा है, साइटोस्केलेटन टूट रहे हैं, ऑर्गेनलीज टूट रही हैं, ये सारी की सारी एक एपोप्टोटिक बॉडी के अंदर पैक होंगी। ये सारा डेब्रिस जो है एपोप्टोटिक बॉडी में पैक हो जाएगा। ठीक है, जो टूटा, अब क्या होगा कि ये जो एपोप्टोटिक बॉडी बनेगी बाहर कुछ भी नहीं रिलीज होगा, ये कुछ सिग्नल देती है जिसे हम कहते हैं ईट मी सिग्नल। ठीक है, और इन सिग्नल्स के बारे में वो बात कहता है कि जो फॉस्फोलिपिड थी वो नॉर्मली इनर लीफलेट पे होती है लेकिन एपोप्टोटिक बॉडी की आउटर लीफलेट पे होती है और ये यहाँ पे फेगोसाइट और स्पेशली मैक्रोफेजेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैक्रोफेज यहाँ पे आएगा और इसको खा जाएगा। ठीक है, यूं इसको खा के मैक्रोफेज खत्म, फिर जितना मटीरियल है वो एक नई एपोप्टोटिक बॉडी में कन्वर्ट होगा और एपोप्टोटिक बॉडी को फिर मैक्रोफेज खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। ये सारा जो अंदर मटीरियल है, ऑर्गेनलीज हैं, ये टूटेंगी और यूं सारी सफाई हो जाएगी और सेल जो है वो एंड पे श्रिंक कर जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई कंटेंट जो है वो लीक आउट नहीं हुआ, सारा कंटेंट बड़े प्रॉपर वे में एपोप्टोटिक बॉडी में पैक हुआ और एपोप्टोटिक बॉडी आहिस्ता सी मेम्ब्रेन से बल्ज आउट हुई जिसको फेगोसाइट्स ने आके खा लिया। तो इतनी आसान सी बात थी, क्या हुआ हमारे पास डीएनए कम, डीएनए डैमेज है, प्रोटीन डैमेज है, BX3 सेंस करेंगे, BCL2 को बताएंगे, वो बैक्स और बैक को यहाँ पे इंसर्ट करेगा, साइटोक्रोम सी रिलीज होगा और साइटोक्रोम सी के स्पेस 9 के एक्टिवेशन के बाद साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन और एंडोन्यूक्लियसिस की एक्टिवेशन करेगा जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन और डिफरेंट ऑर्गेनलीज को ब्रेक करेंगे जो कि प्रो एपोप्टोटिक बॉडी में पैक होकर बल्ज करेगा और उसको खाने के लिए कौन आ जाएंगी? मैक्रोफेजेस आ जाएंगी। तो ये हमारे पास है इंट्रिंसिक पाथवे और इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड वाला जो पाथवे है हमारे पास वो बहुत ज्यादा आसान है, उसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं या उसको हम डेथ कैप पाथवे भी कहते हैं। उसको हम क्या भी कहते हैं? डेथ कैप पाथवे भी कहते हैं। वही सेम सेल है और यहां पे ऊपर जो है वो एक रिसेप्टर मौजूद है, इसे हम डेथ कैप रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं क्योंकि ये जो रिसेप्टर है इसके ऊपर जैसी कोई चीज आकर अटैच होती है तो वो इस सेल की डेथ कॉज करा देती है। ठीक है, ये रिसेप्टर जो है वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर टाइप 1 रिसेप्टर है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर की फैमिली से बिलोंग करता है। इस रिसेप्टर के ऊपर जब आके हमारे पास फैस लेगामेंट जो कि यूजुअली टी लिम्फोसाइट्स पे होता है वो आके बाइंड करेगा तो होगा क्या कि ये रिसेप्टर आगे से कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब ये जो अडेप्टर प्रोटीन्स हैं ये डायरेक्टली एक्टिवेट कर देती हैं कैस्पेज 8 को और कैस्पेज 8 आगे वही काम करता है, साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन करता है, एंडोन्यूक्लिएसिस को एक्टिवेट करता है, एंडोन्यूक्लिएसिस न्यूक्लियर फ्रेगमेंट को रिलीज कराती हैं, ये साइटोस्केलेटन को तोड़ेगा, एपोप्टोटिक बॉडी बनेगी और एपोप्टोटिक बॉडी को फेगोसाइट्स आके खा जाएंगे और एपोप्टोटिक बॉडी उनको खुद सिग्नल देगी। तो आगे सेम है जो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे था वो और ये कैस्पेज के लेवल पे आके आगे सेम हो जाते हैं लेकिन इनिशियली इनमें डिफरेंस है। अब अगर बुक के अंदर देखोगे तो बुक के अंदर भी इसी डायग्राम के अंदर सारी चीज बड़ी अच्छी, डेथ कैप पाथवे भी और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप लोगों ने इसको यहां से पढ़ लेना है। उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने से पहले ही यह खत्म हो जाता है। हिस्टोलॉजिकली तो हमें इसमें कुछ नजर ही नहीं आएगा, अगर इन्फ्लेमेशन होती तो हम हिस्टोसाइट्स के ऊपर कहते कि जी इनफिल्ट्रेट थे, न्यूट्रोफिल थे, फलां था, फलां था। नहीं, ऐसा नहीं होता।
तो इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और अगर आप बुक के अंदर देखें तो वो बस यही कहता है कि मॉर्फोलॉजी में हमें इसके न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं जो कि कितने होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियोसोम के साइज जितने, ठीक है। न्यूक्लियस के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स निकल के आते हैं एंडो न्यूक्लियस की वजह से, और वो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो फिर पैक हो जाते हैं पेप्टोटिक बॉडी में और उनको वो खा जाता है। सो एज सच कोई मॉर्फोलॉजिकल अपियरेंस नहीं है। उसके बाद उसने ये दो टर्म्स और बताए हुए हैं, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, कि और पाथवेज क्या है। नेक्रोपेप्टोसिस पाथवे होता है, यानी एक तो हमने पढ़ा ना नेक्रोसिस होती है यानी जो एक्सीडेंटल सेल डेथ है, और एक होती है प्रोग्राम सेल डेथ जो एपोप्टोसिस है। इन दोनों का सम भी देखा गया और उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, नेक्रोपेप्टोसिस कहते हैं। देन पायरोपेप्टोसिस क्या है, ये इस तरह की सेल डेथ होती है कि कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर होगा, तो इसमें मैनिफेस्टेशन ये है कि एपोप्टोटिक सेल डेथ होगी लेकिन साथ फीवर होगा। पायरो का मतलब फायर है, इसलिए हमने इसका नाम पायरोपेप्टोसिस रखा हुआ। और ऑटोफेगी, तो आप सबको पता है सेल्फ ईटिंग को ऑटोफेगी कहते हैं, और ये ऑटोफेगी क्यों स्टार्ट की जाती है, जब सेल में न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन जो है वो नहीं प्रॉपरली प्रोवाइड हो रही, तो सेल अपने ही कुछ पार्ट्स को खा के उनमें से एनर्जी रिलीज करेगा और उसको एज एन एनर्जी सोर्स यूज करेगा। जब आपको उसको बाहर से न्यूट्रिशन नहीं दोगे, तो यहां तक हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की हैं, नेक्रोसिस, उसकी डिफरेंट टाइप्स, देन एपोप्टोसिस, उसके दोनों पाथवेज एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, ये इंपॉर्टेंट है। और देन अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म्स की, ये भी इंपॉर्टेंट, इतना नहीं है, इसमें से एक दो एमसीक्यू आ सकते हैं, सो मैं ये आपको जल्दी जल्दी कराऊंगी। और फाइनल चीज हमारे पास रह जाएगी इस चैप्टर में से, अडेप्टेशंस।